नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष, एक बार फिर से स्वागत है आपका एआर म्यूजिक में। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने तबले के बेसिक को जाना था, तो आइए आज से हम तबले को सीखना शुरू करते हैं, मतलब सरल और आसान तरीके से तबले को सीखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले 3 ताल 16 मात्रा का एक कायदा, टिट वाला कायदा करेंगे। दोस्तों, जिस तरह हम अपनी एक्सरसाइज से पहले अपनी बॉडी को वार्म अप करते हैं, उसी तरह तबला सीखने से पहले हम अपनी हाथों को वार्म अप करने के लिए सबसे पहले ये बेसिक कायदा है, 16 मात्रा 3 ताल का एक कायदा है जो मैं आज आपको बताऊँगा, जिससे हमारे हाथ फ्लो में रहेंगे और आगे आने वाले समय में कोई भी चीज़ बजाते समय हमारे हाथ अटकेंगे नहीं, अगर हम इस कायदे पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आइए सीखते हैं ये 16 मात्रा 3 ताल का कायदा। दोस्तों, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको डिस्प्ले पर शो हो रहे होंगे, जो हमारी 16 मात्राएं हैं उसके बोल। तो उन्हीं बोलों को ध्यान में रखते हुए एक एक बोल को हम इस पर निकालना सीखेंगे, कौन सा बोल कहाँ से निकलेगा, फिर उसको हम क्या कहते हैं कंटिन्यू करके उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तब वो फ्लो में आएगा। तो इसी तरीके से हम शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि ये पहली उंगली को हम यहाँ पर रखकर और तीसरी उंगली को यहाँ स्याही पर रखकर और इस हाथ को यहाँ और ये 2 उंगली से धा व की साउंड को लेकर हम धा निकालेंगे। तो सबसे पहले हम धा का साउंड आपको निकालना आ गया होगा अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा, तो ये हमारा धा है, धा। अब बोल है, मैं साथ में बोल भी रहा हूँ और बजा भी रहा हूँ। अगर आप वैसे तो आपको डिस्प्ले हो रहे होंगे, अगर नहीं तो आप सुनकर भी आपको आप उसको नोट कर सकते हो। धा धा ती ट। अब ये देखिए, ती ये हमारी बीच वाली उंगली, बीच स्याही में आएगी खाली, इसमें बेस यूज़ नहीं करना है। और ट जो बोल है वो भी हमारा पहली उंगली से उसी जगह पर आएगा जहाँ पर हमारी बीच वाली उंगली पहले आई थी। तो मैं एक बार दोबारा से करता हूँ, धा धा ती ट। 4 बोल हो गई। आगे धा धा तू ना। अब देखिए, तू ना की आवाज यहाँ से निकाली हमने, ये स्याही है, स्याही को हमें इस तरीके से टच करते हुए साइड में ले जाना है, तो ये तू ना की आवाज निकलेगी। उसके साथ हमें इस हाथ को भी प्रेस करना है, तू ना। ये हो गया 8 मात्रा हो गई। एक बार मैं शुरू से बजाता हूँ, धा धा ती ट, धा धा ना। अब फिर इसका उल्टा, ता ता ती ट, धा धा धी ना। देखिए, एक बोल इसमें ये नया आया है, धी धी ना, जैसे पहले तू ना था, इसमें ये हाथ तो ऐसे ही चलेगा लेफ्ट हैंड, बाकी राइट हैंड से आप इसमें धा भी यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा धी ना। तो एक बार मैं शुरू से बोलता हूँ, धा धा ती ट, धा धा तू ना, ता ता ती ट, धा धा धी ना। अब देखिए दोस्तों, सिंगल में हमने इसको बजाया, यानी कि एक गुण लय में बजाया है। अब हम इसको, अगर एक बार हम सिंगल बजाने के बाद जब ये हमारे हाथों पर अच्छे से बोल आ जाते हैं, हमें बजाने आ जाते हैं, तब हम इसकी धीरे 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 स्पीड बढ़ाएंगे, तब ये कायदा हमारा पूरा होगा। अभी ये कायदा है और नेक्स्ट क्लास में हम आपको इस कायदे के बल भी बताएंगे, और जब ये कायदा पूरा होगा और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं इसको एक बार डबल और 4 गुण लय में बजा के दिखाता हूँ, एक बार कंटिन्यू इसको देख लीजिए स्टार्टिंग से। सबसे पहली लय में धा धा ती ट, धा धा तू ना, ता ता ती ट, धा धा धी ना, धा धा ती ट, धा धा तू ना, ता ता ती ट, धा धा धी ना, धा धा ती ट, धा धा तू ना, ता ता ती ट, धा धा धी ना, धा धा ती ट, धा धा तू ना, ता ता ती ट, धा धा धी ना, धा धा ती ट, धा धा तू ना, ता ता ती ट, धा धा धी ना, धा धा ती ट, धा धा तू ना, ता ता ती ट, धा धा धी ना, धा धा ती ट, धा धा तू ना, ता ता ती ट, धा धा
देखिए दोस्तों, जितनी लय में हमने बजाया उतनी आवृत्ति में ही हमको बजाना है। देखिए, हमने पहली लय बजाई तो हमने एक ही बार बजाया उसको, फिर हमने उसकी लय को दोगुन किया तो इसका मतलब हमने दो बार बजाया उसको, फिर हमने उसकी लय को चार गुन किया, मतलब दुगने का भी दुगना किया, चार गुन किया, तब हमने उसको चार बार बजाया। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको सिंगल जो आपको बेसिक बताया है उस पे हाथ बिठाने की प्रैक्टिस करनी है। जब वो आपके हाथों पर बहुत अच्छे से आ जाएगा तब आप उसकी धीरे 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 स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। मैंने तो डायरेक्ट डबल और उसके बाद चार गुन करके आपको बता दिया। आप उसकी धीरे 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 स्पीड बढ़ा सकते हैं, जब फाइनल स्पीड हो जाए फिर आप उसको टुकड़ों में तीन चार स्पीड बढ़ा सकते हैं, एक गुन, दो गुन, चार गुन, फिर आठ गुन तक भी आप इसको ले जा सकते हैं। दोस्तों, क्लासिकल तबला सीखने वालों के लिए ये पहला कायदा है, बल्कि क्लासिकल क्या, मेरा मानना यह है कि लाइट सीखने वालों के लिए भी ये कायदा बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एक क्रिकेट का कायदा भी बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आपके हाथ और उंगलियां और जो एक मेन हमारा होता है क्रिकेट, वो अगर हमें निकालना आ जाता है तो फिर लाइट तो हम बहुत आसानी से बाद में सीख सकते हैं। तो यदि अगर डायरेक्ट भी किसी को लाइट सीखना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अलग से लाइट वालों के लिए एक अलग से वीडियो बनाकर डायरेक्ट पोस्ट करूँ। और बाकी क्लासिकल सीखने वालों के लिए तो ये पहली क्लास बिल्कुल बहुत कामयाब रहेगी और आप इसको लेकर प्रैक्टिस करें। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे सीखेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो में आपको तबला सीखने में कोई भी परेशानी आ रही है या कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।